हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुकेटिव। और आज हम करेंगे सिक्स क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 20। तो चलिए देखते हैं इस वर्कशीट में हमें क्या करना है। सबसे पहले तो बच्चों आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर नेम ऑफ स्टूडेंट यानी कि आपका अपना नाम फिल करना है। उसके बाद नेम ऑफ क्लास टीचर यानी कि अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे आप यहाँ पर। और उसके बाद स्टार्ट होती है हमारी वर्कशीट। तो वर्कशीट जो है बच्चों हमारी कंप्लीट, हमारी किस पर बेस है, जो हमारी पोएम है काइट, उसी के ऊपर बेस है। थिंक ऑफ सम स्पेशल डेज इन एन ईयर व्हेन पीपल फ्लाई काइट, आल्सो कलर द काइट गिवन। तो आपको बच्चों उन दिनों के बारे में सोचना है जिनके ऊपर, स्पेशल डेज के ऊपर हम काइट फ्लाइंग करते हैं, पतंग उड़ाते हैं। तो क्या आप जानते हैं कौन कौन से दिन में आप पतंग उड़ाते हैं, कौन कौन से स्पेशल डेज हैं? तो बच्चों सबसे पहले तो हम इंडिपेंडेंस डे यानी कि 15 अगस्त जब हमारा आता है उस पर हम काइट फ्लाइंग करते हैं। तो आप सबसे पहले तो इंडिपेंडेंस डे ही लिख देंगे, इंडिपेंडेंस डे। सबसे पहले यहां इंडिपेंडेंस डे लिखेंगे। उसके बाद आप लिख सकते हैं तीज, कई जगह पर तीज पर भी पतंग उड़ाई जाती है। उसके बाद और कौन से त्योहार पर आप पतंग उड़ाते हैं तो वो भी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल कर सकते हैं, एक और फेस्टिवल। तो जहां जहां के अकॉर्डिंग, जिस जिस स्थान के अकॉर्डिंग पतंग उड़ाई जाती है स्पेशल दिन, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें क्या करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स इन द बॉक्स बिलो। तो यहाँ बच्चों कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिनको कि हमें कंप्लीट करना है, और वो कैसे करेंगे, ये जो वर्ड्स दिए हैं इनकी हेल्प से हम इनको कंप्लीट करेंगे। अ डैश काइट लुक ब्राइट इन द स्काई एज इट डिप्स एंड डाइव्स। तो इसमें क्या लिखेंगे बच्चों, हम यहाँ लिखेंगे न्यू, फर्स्ट में क्या लिखना है, न्यू। इट पुल्स इट स्टिंग एंड फ्लाइज लाइक ए डैश ऑन द वेव्स। तो यहाँ आएगा हमारा शिप, क्या लिखेंगे, शिप। तो लिख लीजिए यहां पर शिप। द विंड हेल्प इट राइज एंड रीच द मैक्सिमम डैश इन द स्काई। तो थर्ड पे हमारा आएगा हाइट, क्या लिखेंगे यहां पर, हाइट। द काइट रेस्ट एट द टॉप इन द स्काई व्हेन डैश फॉल्स। और यहां पर आएगा हमारा विंड, क्या लिखेंगे, विंड। You win the dash of the kite when it's slack. तो यहां आएगा हमारा string, क्या लिखेंगे बच्चों, string। तो यहां फिल कर लीजिए string। When a new wind dash, you unwind it again. तो यहां हम लिखेंगे blows, BLOWS, blows. The new wind fills the wings of the kite with dash and it goes up again. तो यहाँ हम फिल करेंगे air. तो ये है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, हो गया ना कंप्लीट हमारा क्वेश्चन। तो बच्चों इस तरह से आप इनको फिल कर लीजिए। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम इन कॉलम ए टू देयर मीनिंग इन कॉलम बी। यानी कि यहां हमें दिए हुए हैं दो कॉलम, कॉलम ए और कॉलम बी, और यहाँ पे दिए हुए हैं हमें कुछ वर्ड्स और इधर है इनके मीनिंग। तो हमें इन वर्ड्स के मीनिंग को इनसे क्या करना है, मैच करना है। तो सबसे पहले देखिए ए में क्या दिया हुआ है, क्रेस्ट। क्रेस्ट का मीनिंग होता है बच्चों द हाइएस्ट पॉइंट, क्या मीनिंग होता है, द हाइएस्ट पॉइंट। तो आप इसको नंबर टू से ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद है बी, बी है रेक्टर। रेक्टर का मीनिंग होता है बच्चों अगलियर, क्या होता है, अगलियर। तो इसको हम ज्वाइन करेंगे वन से। उसके बाद सी देखिए, फ्लैप्स। फ्लैप्स का मतलब है यहां पर मीनिंग होगा यहां पर फ्लटर्स। देन नेक्स्ट देखिए डी, स्लैक्स। स्लैक का मतलब है यहां पर लूज, यानी कि स्लैक का मीनिंग क्या होगा, लूज। तो इसको हम करेंगे थर्ड से ज्वाइन। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन में कंप्लीट। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, पिक एंड राइट द राइमिंग वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द पोएम। जी, और जो नीचे कुछ वर्ड्स लिखे हैं इनके राइमिंग वर्ड्स लिखिए यहाँ पर कि क्या हो सकता है। तो
तो बच्चों हमारा देखिए फर्स्ट वर्ड क्या है ए में, न्यू। तो न्यू से आप कौन सा वर्ड यहाँ पे बना सकते हैं जो हमारा राइमिंग वर्ड है पोएम में से, तो उसके लिए आप लिख सकते हैं ब्लू। क्या लिखेंगे? ब्लू, BLUE, ब्लू। उसके बाद बी में देखिए टेल, टेल से मिलता जुलता वर्ड कौन सा होगा? सेल, SAIL, सेल। नेक्स्ट देखिए सी, ब्लोज, ब्लोज से मिलता हुआ राइमिंग वर्ड जो आपको लिखना है वो क्या लिखेंगे आप? फ्लोज। क्या लिख देंगे? फ्लोज। और अब बच गया हमारा लास्ट क्वेश्चन, तो इसमें आपको लिखना है इसका आंसर, जो कि आपको खुद बताने की कोशिश करनी है। तो जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा, कोशिश कीजिए फिल करने की और जल्दी से मुझे बताइए। तो बच्चों ये थी हमारी वर्कशीट जो कि हो गई है कंप्लीट, तो आप भी जल्दी से वर्कशीट कंप्लीट कर लीजिए और अपने टीचर को सेंड कर दीजिए। और अगर आपको वर्कशीट समझ में आई है, वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भूलिए। और हाँ, सबसे जरूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जो सब्सक्राइब लिखा आता है आपको वीडियो के नीचे उस पर क्लिक कीजिए तो आपका चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और जो बेल आइकन आता है उसको प्रेस कीजिए जिससे कि हमारी सभी वीडियोस आपके पास सबसे जल्दी पहुंच पाए और आपका होमवर्क सबसे पहले हो जाए। तो बिना किसी देरी के होमवर्क करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। तो बच्चों अपनी वर्कशीट करिए कंप्लीट और घर पे रहिए, और जब तक के लिए मैं तो यही कहूंगी आपसे कि घर पे तो रहिए मगर पढ़ते जरूर रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और जल्दी ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।